हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया से होंगे। अभी मैं अपने फार्म पे हूँ, और इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था वो हम लोग डिवार्मिंग करना चाह रहे थे सभी गाय को और सभी बुफेलो को, यानी जितने हमारे फार्म के अंदर बछड़ी बछड़ा सब जो भी है सभी को डिवार्मिंग करना था। हमने कौन सी दवा से डिवार्मिंग किया है इस बार वो सब आगे वीडियो में बताऊँगा, और हमारी जो दो गाय बच्चा देने वाली है वो गाय को भी दिखाऊँगा कि किस तरह प्रोसेस में है और कितना दिन अभी टाइम बाकी है, ये सब आज इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। पे हमने दो पपीता पिछले साल लगाया था, उसका फल आने लगा है, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्लियर आप देख सकते हैं कि इसका फल जो है आ रहा है। ये देखें पपीता, इसमें से हम लोग दो खाए भी हैं, और कुछ जो है इसका मोजर जो लगता है वो गिर जा रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। इसमें फल लगा हुआ है, ये देखें आगे पूरा ऊपर लग रहा है, और इसमें अभी कम आया है। जो हम लोग इसको ये पेड़ जो दिखा रहे हैं आपको, ये हम लोग मेल समझ रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये भी फीमेल है, थोड़ा लेट में आई और ये पहले फल देने लगी। तो इसका फल आने वाले दिन में और भरा होगा, और ये बहुत बड़ा है। अभी इसका हम लोग खाए थे, इससे बड़ा तोड़कर खाए थे, वो कच्चा था लेकिन मीठा था, लेकिन इसका ग्रोथ जो है और होगा आने वाले दिन में। तो ये हमारा पपीता है। इधर हमने कुछ हरी मिर्च का पेड़ लगाया है, यहाँ पे आपको क्लियर देखने के लिए मिल रहा है, छोटा छोटा अभी है, थोड़ा बारिश नहीं होने के कारण सूखा लग रहा है। इधर हमारा गैस गोबर गैस प्लांट है, जो हम लोग को मीथेन गैस प्राप्त होता है जिससे हम लोग दूध वगैरह चाय वगैरह हम लोग इससे बना लेते हैं। और इधर हम लोग आगे चलते हैं तो इधर हमारा सेम है, ये सब्जियां लगा हुआ है। थोड़ी सी बकरी जो है प्रॉब्लम करती है ज़रूर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लौका है, और इधर टमाटर है, हरी मिर्च है, सेम है, करेला है, ये देखें करेला फुलाने लगा है, कुछ दिनों के बाद हम लोग इसका सब्जी हम लोग खा सकते हैं। और इधर नेनुआ जो झिंगी बोलते हैं हम लोग वो है, ये बैंगन है, टमाटर टमाटर ये सब्जियां हमने लगाया है, ये बैंगन वगैरह आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपको बैंगन होगा जब भंटा होगा वो फल देने के बाद हम लोग को क्लियर पता चलेगा। ऐसे हमने भंटा काकर मांगा था और उसी ने कहा कि भंटा ये होगा गोल वाला और गुलाबी कलर होगा इसका, तो देख लेते हैं आने वाले दिन में ये क्या फल देगा। और इधर जब हमारा कल बकरी चर गया तो इधर हम लोग नेट लगा दिए, जो हमारा ठंड के दिन में यूज़ होता था फार्म के लिए वो इधर हमने नेट लगा रखा है ताकि बकरियां इसके अंदर ना आ जाए। इधर हमारा जो है भिंडी है, ये आपको पूरा क्लियर देखने के लिए मिल रहा है, भिंडी भी काफ़ी बढ़िया हुआ था, लेकिन इधर का जो भिंडी आपको देखने के लिए मिल रहा है ये खा गई बकरियाँ, जो बकरियाँ नहीं निकल रही हैं चरने के लिए इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत कर रही हैं। इधर और हमने भंटा लगा रखा है, इधर भी 10 पेड़ होगा, अगर ये हो जाता है तो हमारे घर के लिए सब्जियां फ्री में हो जाएगा। इधर हमने यूज़ के तौर पर इधर लगा रखा था। एक और पेड़ आपको जो दिखा रहा हूँ ये देखें, ये नींबू का पेड़ है, जो इतना बड़ा हमने मसरवा मंडी से अपने ख़रीद कर लेकर आया था, ये लगाए हुए लगभग 1 वीक हो चुका है। और इधर खीरा है, अभी लगभग 3 बज रहा है और यहाँ पे कुछ गाय बैठी हुई हैं और गोबर वगैरह भी हो चुका है, तो भूटन भाई जैसे उठेंगे अपना साफ़ सफाई करेंगे, तो अभी साफ़ आपको थोड़ा सा नहीं देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जो पहले उठी वो गोबर कर चुकी है। इधर हमारी बछड़ी है, इसका भी 2 सर्किल कंप्लीट हो गया और ये हीट में दोबारा नहीं आई है। और बाकी इधर हम बछड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये सीतामढ़ी वाली जो गाय है की जो बछिया है यह भी दोबारा हीट में नहीं आई है, इसका भी 21 दिन कम्प्लीट हो गया है, अब देखना है कि दोबारा हीट में आती है नहीं, 1 सर्किल और वेट कर लेते हैं, अगर नहीं आती है तो ये भी कंसीव कर जाएगी। और रानी वाली बछड़ी है उसका भी लगभग 10 दिन हो रहा होगा, 20 तारीख को हमने AI किया था दोबारा, तो इस बार देखना है कि वो मानती है नहीं। इस बछड़ी को मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं 9 मंथ में इन कर चुकी है और इसका ब्यात जो है नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, तो इसका थन बट आपको इस तरह देखने के लिए मिल रहा है। इसका जो भी दूध आया था वो बच्चा किसी कारण पी गया खुला रहने की वजह से, तो ये प्रॉब्लम आ गया, तो देख लेते हैं ब्यात में इसका कितना मिल्क निकाला जा सकता है, ये आने वाला दिन बताएगा। अभी कुछ कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में है, इसलिए कुछ भी कहेंगे कम पड़ जाएगा, बेसी भी हो सकता है।
और इधर तो अभी शीतल बैठी हुई है। इसको तो हम लोग 20 लीटर भी दूध निकाला था, इसका चौथा ब्यात रहेगा इस बार। और देखना यह है कि इसका बच्चा जो है दोनों का क्या आता है। हम लोग 40 से 120 से AI किए थे और देखना है फीमेल आता है या मेल आता है। हमने जो डिवार्मिंग सभी का किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीक्लोजेनाइड विथ फेमिंडाजोल ओरल सस्पेंशन, ये 100 ml का फाइल है, इसी से हमने सभी गायों का डिवार्म किया। इसमें फेमिंडाजोल है, इससे हमारा करने का कारण यह हुआ कि हमारा जितना भी फार्म के अंदर बछड़ी गाय है ज़्यादातर प्रेग्नेंट की संख्या है, इसीलिए हमने फेमिंडाजोल सभी के लिए यूज़ किया, एक साथ एक ही दवा सबके लिए यूज़ किया ताकि हमारा डेट जो है एक साथ मेंशन रहे और हमारा किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। अभी हमने अगस्त लगभग 20-22 को हमने डिवार्मिंग किया था, इससे हमारा पता चलता है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर लास्ट में हमें फिर से डिवार्मिंग करना होगा। तो हमें याद रहेगा, ऐसे डेट लिखा जाता है हमारा एप्लीकेशन में हो या डायरी में हो, हम लोग दोनों जगह पर मेंशन करते हैं ताकि हमारा एक डेट फिक्स रहे। और इससे ये मालूम चलता है कि हम जो नेक्स्ट 3 मंथ के बाद जो हम लोग डिवार्मिंग करेंगे वो दूसरा दवा रहेगा, यानी इससे हम लोग चेंज करेंगे। हर 3 महीने के बाद दवा जो है डिवार्मिंग का वो चेंज होते रहता है, इसीलिए हम लोग को एक दवा करने का कारण यही था कि याद रहे और बढ़िया रहेगा। एक दवा का रिजल्ट भी हम लोग देख लेंगे किसका बढ़िया है सबसे ज़्यादा, इसलिए प्रेग्नेंट का संख्या ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ज़्यादातर फेमिंडाजोल यूज़ किए और इसको हम लोग यूज़ किए, बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिला। भैंस जो गंदगी कर रही थी वो सब कचरा गिरा रही है, अब ज़्यादा कचरा नहीं देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ वाइटपन आपको देखने के लिए मिलेगा इसका जॉइंट में लगा हुआ, तो ये रिजल्ट मिला। और दूध भी जो बात कर लेते हैं तो दूध भी इसका बढ़ चुका है, लगभग 12-13 लीटर पे आई है अभी। और देख लेते हैं हम लोग जो कोसी फीड यूज़ कर रहे हैं, आने वाले दिन में 10 दिन में और रिजल्ट पता चल जाएगा कितना पूरा दूध निकाल रही है। हो सकता है कि इसका हम लोग मिल्क रिकॉर्ड आपको दिखा देंगे, क्योंकि बहुत शौक से रखा था इसको प्रेग्नेंट में लाकर, और काफ़ी हाइट वेट होने की वजह से सभी लोग को पसंद भी पड़ता है ये बुफैलो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट। बड़ी बात नहीं कर रहा, नहीं बनाने का प्रयास रहेगा मेरा पूरा। देखिए कोई भी चीज आज हम लोग लगभग 1-1.5 महीने में इतना सारे लोग